आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज 26 मार्च से होना है। कोरोना के चलते लंबे समय बाद फैंस को मैदान से मैच देखने की इजाजत मिली थी, लेकिन अब इस पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के चलते आईपीएल के साल के सभी मैच महाराष्ट्र में ही खेले जाने थे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 25% दर्शकों को मैदान से मैच देखने की इजाजत दी गई थी, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि 25% दर्शकों को मैदान से मैच देखने की अनुमति होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र सरकार इस आदेश को वापस ले सकती है और आईपीएल के सभी मैच बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। ये पूरी बातें तब सामने आई जब केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार को स्टेट में नए कोविड के खतरे की चेतावनी दी गई। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हमें केंद्र सरकार से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यूरोपीय देशों, साउथ कोरिया और चीन में कोविड-19 के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पत्र जारी कर सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने को कहा है। हालांकि टोपे ने कहा कि हम आईपीएल को लेकर अभी कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। इस साल आईपीएल के लीग के सभी 70 मैच महाराष्ट्र के 2 शहरों मुंबई और पुणे में खेले जाने हैं, जिसमें मुंबई का वानखेड़े, ब्रेबोर्न, डीवाई पाटिल और पुणे का एमसीए स्टेडियम शामिल है। महाराष्ट्र सरकार अगर अपने आदेश को वापस लेती है तो ऐसे में दर्शकों को मैदान में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लंबे समय से मैदान में जाकर मैच देखने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार को दर्शकों को मैदान में जाने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल इनसाइड स्पोर्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।